बस इतना ही। आपके लिए गांधी जी ट्रेलर हो सकते हैं, हमारे लिए गांधी जी जिंदगी है। चलो नौ माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आपसे आपको मैं जवाब नहीं दूंगा, बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करने के लिए सर माननीय राष्ट्रपति जी होना चाहिए सर उपस्थित हुआ। माननीय राष्ट्रपति जी ने न्यू इंडिया का विजन अपने अभिभाषण में प्रस्तुत किया है। 21वीं सदी के तीसरे दशक का माननीय राष्ट्रपति जी का ये वक्तव्य इस दशक के लिए हम सबको दिशा देने वाला, प्रेरणा देने वाला और देश के कोटि कोटि जनों में विश्वास पैदा करने वाला ये अभिभाषण है। इस चर्चा में सदन के सभी अनुभवी माननीय सदस्यों ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी अपनी बातें प्रस्तुत की हैं, अपने अपने विचार रखे हैं। चर्चा को समृद्ध करने का हर किसी ने अपने तरीके से प्रयास किया है। श्रीमान अधिरंजन चौधरी जी, प्रोफेसर स्वागत राय जी, डॉक्टर शशि थरूर जी, श्रीमान ओवैसी जी, दानिश अली जी, रामकृपाल यादव जी, पीपी चौधरी जी, पिनाकी मिश्रा जी, अखिलेश यादव जी, विनायक जी राउत, कई नाम हैं, मैं सबके नाम लूंगा तो समय शायद बहुत जाएगा, लेकिन मैं कहूंगा कि हर एक ने अपने अपने तरीके से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। लेकिन एक स्वर यह उठा है कि सरकार को इन सारे कामों की इतनी जल्दी क्या है, सब चीजें एक साथ क्यों कर रहे हैं, ऐसा भाव भी लोगों के बातों में चाहता है। तो मैं शुरुआत में श्रीमान सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक कविता को उद्गृत करना चाहूंगा और वही शायद हमारे संस्कार भी हैं, हमारी सरकार का स्वभाव भी है और उसी के कारण, उसी प्रेरणा के कारण हम लिख से हट करके तेज गति से आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। श्रीमान सर्वेश्वर दयाल जी ने अपनी एक कविता में लिखा है, लिख पर वो चले
लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने, ऐसे अनिर्मित पथ ही प्यारे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, और इसलिए लोगों ने सिर्फ एक सरकार बदली है ऐसा नहीं है, सरोकार भी बदलने की अपेक्षा की है। एक नई सोच के साथ काम करने की देश की इच्छा और अपेक्षा के कारण हमें यहां आकर के सेवा करने का अवसर मिला है। लेकिन अगर हम उसी तरीके से चलते जिस तरीके से आप लोग चलते थे, उसी रास्ते से चलते जिस रास्ते की आपको आदत हो गई थी, तो शायद 70 साल के बाद भी इस देश में से आर्टिकल 370 नहीं है। आप ही के तौर तरीके से चलते तो मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की तलवार आज भी डराती रहती। अगर आप ही के रास्ते चलते तो नाबालिग से रेप के मामले में फांसी की सजा का कानून नहीं बना। अगर आप ही के सोच के साथ चलते तो राम जन्मभूमि आज भी विवादों में रहती। अगर आप ही की सोच होती, अगर आप ही की सोच होती तो करतारपुर साहब कॉरिडोर कभी नहीं बन पाता। अगर आप ही के तरीके होते, आप ही का रास्ता होता, तो भारत बांग्लादेश सीमा विवाद कभी नहीं सुलझता। माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं माननीय अधीश जी को देखता हूं, सुनता हूं, तो मैं सबसे पहले किरण रिजिजू की जी को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने जो फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है, उस फिट इंडिया मूवमेंट का प्रचार प्रसार अधीर जी बहुत बढ़िया ढंग से कर वे भाषण भी करते हैं और भाषण के साथ साथ जिम भी करते हैं। तो ये फिट इंडिया को बल देने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कोई इस बात से तो इनकार नहीं कर सकता है कि देश चुनौतियों से लोहा लेने के लिए
हर पल कोशिश करता रहा है। कभी कभी चुनौतियों की तरफ न देखने की भी आदतें देश ने देखी है। चुनौतियों को चुनने का सामर्थ्य नहीं, ऐसे लोगों को भी देखा है। लेकिन आज दुनिया की भारत के पास से जो अपेक्षा है, हम अगर चुनौतियों को चुनौती नहीं देंगे, अगर हम हिम्मत नहीं दिखाते और अगर हम सबको साथ लेकर के आगे चलने का गति नहीं बढ़ाते, तो शायद देश को अनेक समस्याओं से लंबे अरसे तक जूझना पड़ता। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, अगर कांग्रेस के रास्ते हम चलते तो 50 साल के बाद भी शत्रु संपत्ति कानून का इंतजार देश को करते रहना। 35 साल बाद भी नेक्स्ट जनरेशन लड़ाकू विमान का इंतजार देश को करते रहना। 28 साल के बाद भी बेनामी संपत्ति कानून लागू नहीं होगा। 20 साल बाद भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति नहीं हो पाती। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार तेज गति की वजह से, और हमारा मकसद है हम एक नई लकीर बना करके लीक से हट करके चलना चाहते हैं, और इसलिए हम इस बात को भली भांति समझते हैं कि आजादी के 70 साल के बाद देश लंबा इंतजार करने के लिए तैयार नहीं और नहीं होना चाहिए। और इसलिए हमारी कोशिश है स्पीड भी बढ़े, स्केल भी बढ़े, डिटर्मिनेशन भी हो और डिसिसिवनेस भी हो, सेंसिटिविटी भी हो और सॉल्यूशन भी होना चाहिए। हमने जिस तेज गति से काम किया है, उस तेज गति से काम का परिणाम है कि देश की जनता ने 5 साल में देखा और देखने के बाद उसी तेज गति से आगे बढ़ने के लिए थोड़ी अधिक ताकत के साथ हमें फिर से सेवा करने का मौका दिया। अगर ये तेज गति न होती तो 37 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट इतने कम समय में नहीं खुलते। अगर गति तेज न होती तो 11 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय का काम पूरा नहीं। अगर तेज गति नहीं होती तो 13 करोड़ परिवारों में गैस का चूल्हा नहीं पहुंचता। अगर गति तेज न होती तो 2 करोड़ घर नए नहीं बनते गरीबों के लिए। अगर तेज गति नहीं होती तो लंबे अरसे से अटके हुए दिल्ली की 1700 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां, 40 लाख से अधिक लोगों की जिंदगी जो अधर में लटकी हुई थी, वो काम पूरा नहीं होता। आज उन्हें उनका अपने घर का हक भी मिल गया है। माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर नॉर्थ ईस्ट की भी चर्चा हुई है।
नॉर्थ ईस्ट को कितने दशकों तक इंतजार करना पड़ा। वहां पर राजनीतिक समीकरण बदलने का सामर्थ्य इतनी सिटी नहीं है और इसलिए राजनीतिक तराजू से जब निर्णय होते रहे तो हमेशा ही वो क्षेत्र उपेक्षित रहा। हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट वोट के तराजू से तोड़ने वाला क्षेत्र नहीं है। भारत की एकता और अखंडितता के साथ दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हुए भारत के नागरिकों के लिए और उनके सामर्थ्य का भारत के विकास के लिए उपयुक्त तो उपयोग हो, शक्ति उनकी काम आए, देश को आगे बढ़ाने में काम आए, इस श्रद्धा के साथ, वहां के एक एक नागरिक के प्रति अपार विश्वास के साथ आगे बढ़ने का हमारा प्रयास रहा है। और इसी के कारण नॉर्थ ईस्ट में गत 5 वर्ष जो कभी उनको दिल्ली दूर लगती थी, आज दिल्ली उनके दरवाजे पर जाकर के खड़ी हो गई। लगातार मंत्री नॉर्थ ईस्ट में दौरा करते रहे, रात रात वहां रुकते रहे, छोटे छोटे इलाके में जाते रहे, टियर 2 टियर 3 छोटे स्थित स्थानों पर गए, लोगों से संवाद किया, मिला विश्वास का वातावरण पैदा किया और विकास के जो आवश्यकताएं होती जो 21वीं सदी से जुड़ी हुई है, चाहे बिजली की बात हो, चाहे रेल पहुंचाने की बात हो, चाहे हवाई अड्डे बनाने की बात हो, चाहे मोबाइल कनेक्टिविटी की बात हो, इन सब चीजों को हमने करने का प्रयास किया और वो विश्वास कितना बड़ा परिणाम देता है जो इस सरकार के कार्यकाल में देखा जा रहा है।